Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करना है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ उसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, उस वीडियो में जाकर के उस क्वेश्चन को आप देख करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है तो मैं पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमको स्लोप बताना है कर्व का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो जब भी दो इक्वेशन देता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमको अल्टीमेट डिवाइड बाय डीएक्स निकालना है, बट हमारे पास दो इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन में आप जानते थे, आप पढ़ भी चुके हो, उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हो आप, तो डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ रहे हो आई होप। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से हम लोग डीएक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और डीवाई बाई डी थीटा निकालेंगे, और डीवाई बाई डी थीटा को डीएक्स बाई डी थीटा से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, और वही तो हमको चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से करा रहा हूँ, देखिए आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और विदाउट स्किप किए हुए आप क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ, तो हमारे पास क्या क्या है, तो गिवन में हमारे पास जो पहला इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू हमारे पास है a साइन क्यूब थीटा, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं डायरेक्ट इस बात को लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस में लिख लेना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है आप बाहर कर लीजिए, तो d बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा का तो डिफ्रेंशिएशन आपको करने आता ही होगा आई होप, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले इसको x टू पावर n के फॉर्म में ट्रीट करें, तो एन एक्स एन माइनस वन से आपको मिलेगा इन टू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन से, और कॉस थीटा से अलग से अगर आप करोगे तो माइनस साइन थीटा मिलता है, तो अल्टीमेट आपको क्या मिला डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थ्री ए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ मैं इसको अरेंज करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, तो अगेन वाई इज इक्वल्स टू वी हैव ए साइन क्यूब थीटा, आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, मैं ये सोच करके चल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी हैव डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट बाहर एक्स टू पावर एन के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, तो थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का अलग से, साइन थीटा का अलग से आप करोगे तो इसका होता है कॉस थीटा, तो इस तरीके से हमारा डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया थ्री ए कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हमारा डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल का जो फार्मूला होता है वो माइनस वन अपन डी वाई बाई डी थीटा होता है, वो भी मैं लिखूंगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग करेंगे क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा कर देंगे तो आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, ये आपके सामने है थ्री ए कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन हम लोग डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए ऊपर निकाल के रखे हैं, ठीक है,
अच्छा यहाँ पर सॉरी मैं लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया हूँ, ठीक है, ये आपका डी एक्स होगा ना, मैं डी वाई लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये डी एक्स है ना, तो डी वाई क्यों होगा, तो डी एक्स ही रहेगा ना। चलिए तो वो वाला वैल्यू मैं रख लेता हूँ, आपका क्या है माइनस थ्री ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, अल्टीमेट आपको क्या मिला, माइनस साइन बाई कॉस मिला, यही तो मिला। और माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, माइनस टेन होता है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ माइनस टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गया माइनस टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये आपका हर जगह यूज होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स ये आपको बताना है, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है माइनस वन अपॉन, इसको आपको लर्न करके रखना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में आप वैल्यू रख लीजिए और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, टेन थीटा है, वो भी सॉरी टेन थीटा ही है ना, हाँ टेन थीटा है, वो भी माइनस में है, तो माइनस में रख लेंगे। लेकिन ये स्लोप हमको ये भी बोल रहा है कि किसी पॉइंट पर निकालना है, तो चलिए पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पॉइंट पर निकाल लेंगे। तो वन अपॉन टेन थीटा, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेकिन हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट भी दे दिया है, किस पॉइंट पर निकालना है, तो एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर पर निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऐसा लिख सकते हो आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो क्या आपको मिलेगा, देखिए थीटा की जगह पाई बाई टू रख लीजिए, तो टेन पाई बाई टू नहीं है सॉरी पाई बाई फोर है, ठीक है, और टेन पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री होता है, और टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, वन होता है भाई, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये वन हो गया। तो इस तरीके से आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल का आंसर क्या आ गया, वन आ गया, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू बी कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ चुके हो तो मैं यही आशा करता हूँ कि एक प्रैक्टिस के लिए आपको मैं छोड़ भी दूँ, और ये मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कुछ नहीं करना है आपको, डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, तो डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द कर्व आपको नॉर्मल आपको मिल जाएगा, और पॉइंट क्या रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो जो भी आएगा पाई बाई टू आप रख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आपको एंगल में आता ही होगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। सबसे पहला काम है हमको क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझिए मैं कैसे समझाता हूँ। ठीक है, मीनिंग समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, यानी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ उसका वैल्यू जीरो होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप जो रहेगा टेंजेंट का वो जीरो होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा आप याद रखो। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बात याद रखना है कि जो स्लोप रहेगा टेंजेंट का वो जीरो रहेगा। तो बहुत आसान है, हम लोग गिवेन इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, और यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं वही तो स्लोप होता है ना, तो वो स्लोप बोल रहा है कि जीरो है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एक्स का वैल्यू मिल गया
तो गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और एक्स वाई का वैल्यू मिल गया तो आपका पॉइंट्स हो गया, वही तो पॉइंट होता है। चलिए मैं करके बताता हूँ, ये तो मैं ओरली आपको ऐसे ही समझा दिया लेकिन मैं करके भी बताऊँगा। तो गिवन क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो गिवन में देखिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ये तो मैं क्वेश्चन से देख करके नोट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या पता है, पता ही है ना भाई, dy बाई dx निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप लिख लेना। जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस सेंटेंस को आप खुद से लिख लिया करो, एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन करने आता है तो x टू पावर n वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट है वो गिवन इक्वेशन जो कर्व है उसके क्या है, पैरेलल है। तो इस बात को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन अब क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, भाई दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जीरो होता है, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो टेंजेंट जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो क्या आपको मिलेगा, देयर फोर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। थ्री कॉमन है तो थ्री से डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री थ्री जा नाइन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्दर कैलकुलेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फोर मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास टेंथ में, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर रहा हूँ। तो थ्री का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो थ्री वन जा थ्री मिलेगा, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगा x कॉमन करेंगे इन दोनों में तो x माइनस थ्री मिलेगा, प्लस वन कॉमन करेंगे तो x माइनस थ्री मिलेगा। x माइनस थ्री आप दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलेगा x प्लस वन। आई होप आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, ये क्लास टेंथ स्टैंडर्ड का है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से इसको कर दिया। अब एक बार आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो x का वन वैल्यू मिलेगा, इसको रखोगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो x का एक आपको वैल्यू मिलेगा थ्री और एक x का आपको वैल्यू मिलेगा माइनस वन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से x का हमारे पास दो वैल्यू मिला, एक थ्री मिला एक माइनस वन मिला। अब x का वैल्यू एक बार थ्री हम लोग रखेंगे गिवन इक्वेशन में, ये देखिए जो गिवन इक्वेशन है, तो यहाँ से हमको y का वैल्यू मिलेगा और x का वैल्यू दोबारा हम लोग माइनस वन रखेंगे तो दूसरा y का वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पर दो पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। एक्स का दो वैल्यू मिला तो डेफिनेटली दो पॉइंट्स मिलने ही वाले हैं, तो चलिए मैं रख लेता हूँ। अच्छा, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसको आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर वन लिख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी, तो हम लोग अब लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वाई का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ जब एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पर, वाई का वैल्यू क्या होगा मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो एक्स क्यूब है, एक बार चलिए एक्सप्रेशन को लिख ही लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। वाई इज इक्वल्स टू एक्स की जगह हमको थ्री रखना है, तो थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू थ्री प्लस सेवन। कैलकुलेशन आप कर लीजिए जल्दी से, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन
माइनस थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा 27 और नाइन थ्री जा 27 प्लस 7 सब 27 ही आ रहा है, क्या बात है। चलिए ये दोनों तो कट गया, तो आप कर लो देखो माइनस 20 आ जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए तो दूसरे पॉइंट पे भी हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग। तो वेन या एट x इक्वल्स टू जो भी आप लिख लो x इक्वल्स टू माइनस 1 देन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, अब चलो माइनस 1 रखते हैं तो x क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। कैलकुलेशन जल्दी से कर लीजिए आप, तो ये मिलेगा माइनस 1, ये प्लस 1 तो ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिल रहा है देखिए, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और 5 और 7 12, तो इस तरीके से y का वैल्यू 12 मिला। तो क्लियर कट हमारे पास दो पॉइंट्स मिला, तो वी हैव टू पॉइंट्स, तो वी हैव टू पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक आपको मिला जब x हमने क्या रखा था 3 रखा था, तो y कितना हमको मिला माइनस 20 मिला एंड और एक बार x हमने क्या रखा था माइनस 1 मिला सॉरी माइनस 1 रखा था तो y क्या मिला था 12 मिला था। तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट्स मिले, एक थ्री और माइनस 20 एंड माइनस 1 एंड 12, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो क्या रहेंगे भाई, जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा इन दोनों पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,0 एंड 4,4। तो एक हमारे पास कर्व है, कर्व का कॉर्ड दिया, तो कॉर्ड आपको पता है कि कर्व पे दो पॉइंट लेंगे दोनों को मीट करेंगे तो जो लाइन बनेगा वो उसका कॉर्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बोल रहा है कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, यानी कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आपको की पॉइंट याद रखना है कि जो कॉर्ड का स्लोप होगा, ठीक है, टेंजेंट का भी वही स्लोप होगा। फिर से देखिए बात, टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के पैरेलल है बच्चों, तो कॉर्ड का जो स्लोप होगा टेंजेंट का जो स्लोप होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे मतलब क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन हम लोग स्लोप कॉर्ड का निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड का कोऑर्डिनेट हमको दिया है, ठीक है, कॉर्ड का कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लोग कॉर्ड का स्लोप निकाल लेते हैं और वही स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, हो सकता है मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको करके बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हमारे पास कर्व क्या दिया हुआ है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है उसको तो नोट कर लेते हैं ना। तो गिवन में देखिए हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए कर लेते हैं, क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको एक्स टू पावर एन के फॉर्म में ट्रीट करिए, तो एन एक्स एन माइनस 1 से आपको ये मिलेगा, और जब इसका आप अलग से करोगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस 2 तो ये 1 ही मिलेगा। मतलब अल्टीमेट आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उस सेंटेंस को लिख लेते हैं, किस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा, मैं लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस सेंटेंस को एकदम लिख लीजिए, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड
टू द कॉर्ड, पैरेलल टू द कॉर्ड, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स दे हुए भाई हमारे पास, 2.0 एंड 4.4, देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इज इक्वल टू क्या, द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। अगर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आपको देखिए दो पॉइंट दे ही दिया है, कॉर्ड का कोऑर्डिनेट दे दिया है ना, तो हम लोग वहां से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फार्मूला पिछले क्लासेस में पढ़े हुए, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको भूल गया है तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकाल लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड का फार्मूला क्या होता था, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ पर y1 y2 क्या है, पहला पॉइंट्स है, और y2 और x2 क्या है, दूसरा पॉइंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो ये वाले वैल्यूज़ को यहाँ पर आप रख लीजिए। तो y2 - y1 मतलब 4 - 0 4 - 0, और ये क्या है x2 - x1, तो 4 - 2, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी हमको पता चल गया जो कॉर्ड का स्लोप है वो क्या 2 है, और यही स्लोप क्या हो जाएगा, इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे इसके अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसा कि मैं लिखा हुआ हूँ। तो 2 × x - 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या मिला, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 बचा। तो x - 2 = 1 implies x = 3। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, हमको पॉइंट्स बताना है। तो देखिए x का वैल्यू हमारे पास आ गया, अब यही x का वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन में रख लेते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा, और वही तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा या पॉइंट हो जाएगा। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, क्या गिवन इक्वेशन है, y = x - 2 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू रख लीजिए, x की जगह 3 रखना है, तो 3 - 2 का स्क्वायर, और 3 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, 3 - 2 = 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो वी हैव पॉइंट, क्या मिला, वी हैव पॉइंट मिला, x 3 है और y 1 है, तो 3.1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है या रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 3.1 है। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। स्लो में थोड़ा सा क्वेश्चन बताने का पर्पज़ यही था कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।